के साथ। टेक्सटाइल कमेटी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में हैंडलूम मार्क योजना एवं हैंडलूम मोबाइल ऐप व वेबसाइट पर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला गुरुवार को इंताज नगर बजडीहा में आयोजित किया गया। कार्यशाला में वस्त्र समिति की गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी ब्रजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले बुनकरों को हैंडलूम मार्क के बारे में बताया गया। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे अपने उत्पाद पर हैंडलूम मार्क का प्रमाण चिन्ह अवश्य लगाएं, इससे ग्राहकों को माल खरीदने में मार्क देखकर उनका विश्वास बना रहता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बुनकरों के खाते में 500 रुपये विभाग की ओर से भेजे जाएंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि इस तरह के कार्यशाला पूरे देश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। यह कार्यशाला देश के 40 जनपदों में चलाया जा रहा है। कार्यशाला में सरकारी योजनाओं की जानकारी बुनकरों को दी गई। समारोह में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र वाराणसी के सहायक आयुक्त अरुण कुमार कुरील, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वरिष्ठ प्रबंधक आशीष सिंह, बुनकर सेवा केंद्र के प्रभारी एवं उप निदेशक संदीप थुबरीकर आदि सहित सैकड़ों बुनकर उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत मोहम्मद स्वाले अंसारी ने किया। संचालन वस्त्र निरीक्षण निशित गौर ने किया। बुनकरों के लिए हैंडलूम मार्क योजना पर क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हैंडलूम मार्क स्कीम को बुनकरों तक पहुंचाना है। यह भारत सरकार की स्कीम है। इस तरह के 40 प्रोग्राम पूरे भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। हैंडलूम मार्क स्कीम 2006 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के मुख्य फायदे ये हैं कि कोई भी वस्तु जो हाथ पर बनी हुई है उस पर एक तरह का मार्क लगा होता है, इसे हैंडलूम मार्क कहते हैं। जो कि उपभोक्ता खरीदता है, अगर वह मार्क लगा है तो वह सचमुच हाथ का बना हुआ था। इस स्कीम के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे हाथ से बने उत्पाद को यह अधिक पॉपुलराइज करने में मदद करता है। हैंडलूम मार्क हथकरघा वस्त्रों को एक सामूहिक पहचान दिलाता है। हैंडलूम मार्क डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक सप्लाई चेन का काम करता है और एक मार्केटिंग टूल के रूप में काम करता है, जिसमें क्लस्टर विकास योजना, मार्केटिंग इंसेंटिव योजना और अन्य कई योजनाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न मदों में आपको लाभान्वित करने हेतु दी गई हैं। उसमें क्लस्टर के लिए तो आपके क्षेत्र में क्लस्टर चल भी रहा होगा और नए क्लस्टर बनाने के लिए भी आया हुआ है। अगर आप लोगों में से जो भी इच्छुक हों हमारे कर्मचारियों से संपर्क कर लें और अपना क्लस्टर का प्रस्ताव हमारे या बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से भिजवाएं। राज्य सरकार की योजनाएं जैसे संत कबीर राज हथकरघा पुरस्कार योजना, वो भी क्रियान्वित है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50,000 और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये राज्य स्तर पर मिलेगा। दूसरा, पर क्षेत्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जो 25,000 रुपये प्रथम पुरस्कार, 20,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार और 15,000 रुपये तृतीय पुरस्कार के लिए। ऐसे ही राज्य सरकार की हथकरघा बुनकरों के लिए भी विद्युत सब्सिडी योजना है, जो सीधे उनके खाते में दी जा रही है। मैं इस समय सारे लोगों से हमने अपने डाटा मंगवाए भी हैं आप लोगों के से, और वेरिफिकेशन भी करा रहा हूँ कि नए और पुराने, जो पुराने मिले हैं लोगों को उनको, और जिनको नए लोगों को नहीं मिला है अभी तक का लाभ उनको भी मिल जाए। वो लोग भी अभी अगर लाभ नहीं मिल पाया है तो भी हमारे कार्यालय में आ करके संपर्क करें और हमारे क्षेत्रीय पर्यवेक्षक और निरीक्षक को इसकी सूचना दें। भारत सरकार की स्कीमें हैं जिसमें हैंडलूम मार्क का मूल्य क्या है वो बुनकर के बताना, क्योंकि ये हैंडलूम जो साड़ी बनती है उसके पावरलूम भी बनती है, बाकी ग्राहक समझ नहीं पाते कि हैंडलूम है कि पावरलूम। तो जो हैंडलूम मार्क हैंडलूम पर लगेगा तो वही हैंडलूम साड़ी होती है। इसी के लिए बुनकरों को जागरूक करना है, और उसके जो बुनकर 100 बुनकर यहाँ पे हैं भारत सरकार के माध्यम से उनके खाते में भी पैसा भी जमा भेजेगी। वाराणसी लाइव सच के साथ।